अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करके आते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं और पानी पीते हैं, कई ठोको हमारे पास ब्लड लेने आया है सबकी हम डांट के भगाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो आरबीसी जो होता है ये कितने दिन चलता है? 120। कितना दिन? 120 दिन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, 120 दिन चलता है। अभी बताइए आरबीसी जो है 120 दिन चलेगा, लेकिन ये जितना है ये तो इसी 40% में है, जबकि ब्लड का सबसे ज्यादा हिस्सा क्या है? 60%। यानी ब्लड का ज्यादातर हिस्सा क्या है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा का 90% पानी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो आप अगर पानी पी लेते हैं तो उसका 60% हिस्सा कवर हो जाता है। केवल पानी पी लेने से 60% हिस्सा कवर होता है। अगले 24 घंटा में WBC या प्लेटलेट अपना काम कंप्लीट कर देते हैं सर। यानी अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करके आते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं और पानी पीते हैं, तो 48 घंटा में आपका बॉडी रिकवर कर जाता है जितना था वहां पर, समझाएंगे 48 आवर्स। लेकिन पता नहीं क्यों लोग ब्लड देने के टाइम पे लगता है मरने लगते हैं सब। किसी हॉस्पिटल में अगर कोई मरीज कोई इमरजेंसी में ब्लड का जरूरत है ना, गांव का शायद ही कोई देगा, लेकिन अगर वह मरीज हॉस्पिटल में मर गया ना, तो गांव के 50 आदमी उठ के चलाएगा हॉस्पिटल तूरने फोरने के लिए, डंडा लेके। हम ब्लड देने कोनो नहीं आएगा सब। हम तो यहां देखे कई ठोको हमारे पास ब्लड लेने आया सब कि हम डांट के भगाए हैं। ब्लड लेने आया हम कहे कि क्या दिक्कत है? कह रहे सर ग्रुप इस ग्रुप का चाहिए। हम कहे तुम्हारा किस ग्रुप का है? तो कह रहे सर मेरा मैच नहीं कर रहा। हम कहे कोई दिक्कत नहीं, मैच कर नहीं कर रहा है, हम तुमको दे देते हैं ना, तुमको जो चाहिए वो हम दिला देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ब्लड का हैंडपंप थोड़े लगल है, आखिर हम भी किसी ना किसी से लेके स्टोर किए, तुम अपना वाला दे दो ताकि हम तुम्हारा ब्लड फिर इस ग्रुप का जरूरत होगा किसी को दे दे। ना हमको जन्म कर भाग यहां से, जल्दी भाग ना, तो मतलब हम धोधा देंगे यहां बढ़िया से। सच तुमको जरूरत है तो खान सर खड़ा हो जाए, पूरी दुनिया खड़ा हो जाए तुम्हारे लिए, और तुम अपना ना दोगे किसी को यहां पर। वाह अरे भाई वाह, कहे कि सर मेरा मैच। हम कहेगा मैच तुम छोड़ो, मेरी जिम्मेदारी है यहाँ। अब कोई भी ब्लड वलड के लिए आता है ना, तो भैया तुमको जिस ग्रुप का चाहिए हम अरेंज करा देंगे, लेकिन जितना ले जाओगे उतना दे दो। ये बताओ हमारे पास हैंडपंप लगल है, बताइए ये कोई बात है यहाँ पे? ये तो बदतमीजी हो गई यहाँ पे कि हम देंगे ना, ब्लड है ना भाई, हमारे खेत का थोड़ा है कि मतलब गेहूं चावल है कि आप ले जाइएगा दो बोरा तो कोई दिक्कत नहीं है। बेवकूफी होती है ये सब चीजें, ना नहीं देंगे जाओ, बेवकूफी की याद होती है यहाँ पर नहीं। इसीलिए कहते ना, हम तो कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। मतलब अगर कोई नहीं पढ़ा लिखा है तो ये बहुत बड़ा उसके लिए दिक्कत है। आप कुछ भी कीजिए, आप पढ़ाई लिखाई कीजिए ताकि आपको कम से कम जीवन जीने की एक शैली आएगी। यहाँ पर कुछ भी करना ना करिए यहाँ पर, इवन अगर आपको भीख भी मांगना है ना, तो अगर पढ़े लिखे हैं तो बहुत दिन भीख नहीं मांगेंगे। अगर पढ़ लिख के भीख मांगने की नौबत भी आ गई ना, तो जीवन भर नहीं मांगना पड़ेगा। और अगर पढ़े लिखे नहीं है तब मांग रहे हैं ना, तो जीवन भर मांगना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया चीज है, रद्द कर। बताओ ब्लड मांगने आता है देवे नहीं करता आपने, ये अच्छी बात है। वो कब होता है? किसी का एक अचानक में एक्सीडेंट हुआ, कोई मिलिए नहीं रहा है, उसका जान पहचान किसका है किसके यहां से, उसमें समझ में आता है कि भैया पहले इसकी जान बचाओ, बाद में कभी मेंटेन ऊपर नीचे हो जाएगा। कभी होता है ना गाड़ी से बेचारा कोई आया, बस में कोई कहां का है कहां जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया। उस कंडीशन में आदमी नहीं देखता है कि हमें ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका पास पैसा है कि नहीं, पहले इसका इलाज कराओ यहां पर। लेकिन ये जो शौकिया आता है सर ना, गांव का चार गो हट्टा कट्टा एकदम लगता है WWF लड़का है, ब्लड मांगने आता है तो मन करता है कि 5 लीटर निकाल ले। ना ना 5 लीटर नहीं, आधा किलो छोड़े तो है, आधा किलो छोड़े नहीं है, 5 लीटर में छोड़े हैं आधा जोरन के लिए। चलो ध्यान देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप ब्लड डोनेशन किसी को डोनेट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत है? 48 घंटा के अंदर अंदर आप पानी पी के मेंटेन कर सकते। ये तो आपका 4-5 घंटा में अंदर प्लाज्मा मेंटेन हो गया। प्लाज्मा में था कौन चीज? 90% पानी दे पी लिए यहाँ पे, और कौन चीज चाहिए? तो 6 से 7 घंटा के अंदर क्या रिकवर हो गया? प्लाज्मा। 48 घंटे के अंदर प्लेटलेट और WBC रिकवर हो गया, और RBC
आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा होती है। आरबीसी के लिए टेंशन ही नहीं लेना है। हमारे शरीर में आरबीसी 50 लाख होता है। कितना होता है? 50 लाख। तो उसका टेंशन है? 50 लाख है तो ले लो 2-4 लाख, 10 लाख। अब आप ही के पास 50 लाख पैसा है, उसमें से 10 लाख किसी कारणवश चला गया, तो थोड़े ना कि आप कंगाल हो जाने वाले हैं, नहीं होंगे यहाँ पर, रहेगा कुछ ना कुछ यहाँ पर। तो ब्लड डोनेट करना कोई गलत बात है? ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, समझ में? हाँ बढ़िया है। तुम डोनेट करना चाहिए 3-4 महीने का गैप करके, रेगुलर नहीं, बीच में भी दे सकते हैं इमरजेंसी में। इमरजेंसी में मतलब 3 महीने का क्या करना चाहिए, एटलीस्ट 3 से 4 महीने का क्या करना चाहिए गैप। ऐसा नहीं है कि आप किसी का इमरजेंसी आपका यूज हुआ तो 2 महीना हुआ है, 1 महीना के अंदर दे सकते हैं इमरजेंसी की स्थिति में, समझ आ गया कि नहीं?